Morning children, welcome to our online class. Today's moral values class, class 6, chapter 3, the life force. Life force, life is a power. आपके पास जो आपको life दी है God ने वो as a power है. तो respect all form of life. आप उसके हर एक part की respect कीजिए. तो जो भी आपको life में opportunities हैं, है ना? उसका आपको benefit लीजिए. ठीक है? Now went to play in the courtyard of Uncle Menon's ठीक है उनके courtyard में मीना और राजीव खेलने के लिए जाते हैं courtyard that is lawn हाँ जो आंगन होता है that is courtyard ठीक है who happened to be their neighbor जहाँ पे उनके neighbors भी होते हैं they are the flowering Roger William covering the whole backyard backyard में उसका हमें backyard एक word आया Cannot
remove even a member from its side, but these tiny members of plant can push us in it. Go ahead, it's fine to place and watch it for us. It's about a 4 feet. उन्होंने ये बताया कि माउंटेन कैन नॉट बी मूव्ड केवल अ केबल माउंटेन इतना बड़ा है केबल को तो मूव नहीं कर सकता बट दिस टाइनी टेंडर बर्ड्स लेकिन ये जो बर्ड्स थे इनके पास इन्होंने क्या किया एक सीमेंटेड फ्लोर को ही हटा दिया ठीक है बर्ड्स ऑफ द प्लांट कैन पुश अ सीमेंटेड फ्लोर उस सीमेंटेड इतनी ताकत थी उसके पास एंड फाइंड स्पेस टू कंटिन्यू टू स्प्राउट अप और ग्रो करने के लिए उनको जो ऑपर्चुनिटी के पास थी उन्होंने उसका पूरा का पूरा बेनिफिट लिया ना ह्यूमन टाइम और 10 फीट वॉल क्लाउडिंग होगा कि वह बहुत गरीब शक्ति है फिर उन्होंने देखा जो अंकल मैंने ने वो बिलिया में प्लांट था तो उन्होंने कट किया था वो अगेन 10 फीट पूरा पूरा लंबा फिर से ग्रो कर गया कोर्ट यार्ड में अंकल मैंने से सच पॉजिटिव आर अवेलेबल फॉर एवरीवन इन स्पाइट ऑफ प्रॉब्लम फिर अंकल अंकल मैंने जो उन्होंने बताया कि जैसे ही प्लांट्स की लाइफ में प्रॉब्लम आई है ना उन्होंने अंकल ने भी लिखी थी अंकल मैंने ने भी लिखी थी कि बावजूद भी प्लांट शुरू करें सेम एज हमारी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आती है लेकिन हमें हार नहीं करना चाहिए हमें भी ग्रो करना चाहिए हमें भी उसके लिए मैंने जो वर्क करते रहना चाहिए वी शुड जस्ट लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज एंड अवेल देम और हमें उन अपॉर्चुनिटीज को देखते रहना चाहिए और उसके एंड अवेल देम और उसका पूरा पूरा बेनिफिट लेना चाहिए द चिल्ड्रन स्माइल एंड सेड टू द चिल्ड्रन ने क्या चिल्ड्रन को खुशी हुई क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि वो गंदे प्लांट को है ना और उन्होंने कहा थैंक यू अंकल अगर आप लाइफ क्या है लाइफ के लिए भी आप डिसाइड कर सकते हो चाहे उसको कोई स्क्वीज कर दे ठीक है चाहे उसको कोई यूज कर दे लेकिन अगर आप अपॉर्चुनिटीज है आपके पास आप उसको पूरे का पूरा यूज कीजिए करने के बाद आप फिर से उसी तरह ग्रो कर सकते हैं ठीक है नाउ वी मस्ट द रिस्पेक्ट ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ एंड नेवर हार्म एनी लिविंग थिंग किसी को भी आप हार्म नहीं पहुंचाओगे इस चैप्टर से यू हैव लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर और रिस्पेक्ट ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ No harm, never harm any form of life. किसी को भी आप harm नहीं पहुंचाओगे. Enjoy nature's beauty. जो भी आपकी nature's beauty है ना living and all वैसे living things जो भी है plants हैं, flowers हैं, animals हैं आप किसी को भी harm नहीं पहुंचाओगे और उनका पूरा से enjoy करोगे. Next है avail opportunities that are everywhere for you. और हर तरीके जैसे plants ने उस opportunity को पूरा पूरा use करती है. As it is सबकी life की problems आती है ना तो उसको आप पूरा का पूरा करने के बाद आप उसको पूरा अवेल अपॉर्चुनिटीज दैट अवेलेबल फॉर यू आप उसको फायदा करने के बाद आप उसको चिल्ड्रेन स्माइल एंड एवरी डे चिल्ड्रेन अचीव है और उन्होंने उनकी ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन था द लाइफ फोर्स ठीक है तो ये आपका उसका लेसन लर्न क्या है ये इसका फॉर्म है कॉपी भी नहीं करना है बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ आपको ये हाफ राइट होगी जो कॉपी फॉर योर बुक